अभी रिसेंटली एक पोर्ट्रेट ड्राइंग किया था, ये जो ये वाला है, एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट, जो बहुत ही मशहूर हस्ती या ये कहा जाए एक इंस्पिरेशन हम सभी लोगों के लिए हैं, उनका ये पोर्ट्रेट था। और देखो किस तरीके से ड्राइंग किया था इसको, एक आर्टिस्टिक अप्रोच यूज़ करके इसको ड्राइंग किया था। तो ये तो मैं ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर अभी तक आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, इट्स अ ट्यूटोरियल वीडियो। और अगर आप इस टाइप के आर्ट वर्क और भी सीखना चाहते हो तो मेरी यूडेमी और स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक बार जाके ट्राई करके देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से आप बेसिक से आर्ट सीख सकते हो। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आज का टॉपिक बेसिकली क्या है। एक कमेंट आया था, उसी की रिप्लाई में ये वीडियो है बेसिकली, और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी आर्ट एस्पिरेंट्स के लिए जो आर्ट सीख रहे हैं, जो आर्ट अभी लर्न कर रहे हैं, या फिर जो आर्ट में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो सबसे मेन पॉइंट जो उस क्वेश्चन में था, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आप अपने आर्ट वर्क को सेल आउट कैसे कर सकते हो, मतलब आप अपने आर्ट वर्क को सेल कैसे कर सकते हो, बेच कैसे सकते हो, और क्या तरीके हैं कि हम उसको बेच सकें, सेल कर सकें। तो यार इस बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस शायद पहले भी बनाए होंगे, हालांकि इस पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं बनाया है, बट ये ज़रूर बनाया है कि आप किस तरीके से आर्ट के थ्रू अपनी लिविंग कर सकते हो या अर्न कर सकते हो। और ये चीज़ मैं जनरली इन टॉपिक्स को छेड़ता नहीं हूँ, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, या कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग मिसगाइडेड हैं, तो उनके लिए वीडियोस बनाने, इस टाइप की नॉलेज शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आ जाओ ज़रा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जब ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अभी आप किस किस पर्टिकुलर ग्रुप में हो। तो अब ये ग्रुप है क्या, ये ग्रुप को कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहला इस ग्रुप में जो सेगमेंट है वो ये हुआ कि आपने आर्ट को अभी अभी शुरू किया है, ठीक है, अभी अभी आपने आर्ट बनाना शुरू किया है। लेट्स से आपने कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और फिर आपने ये सोचना शुरू किया कि अब इसको मुझे सेल करना है, ठीक है। दूसरा इसमें सेगमेंट ये होगा कि आपने अभी आर्ट बनाना भी नहीं शुरू किया है और बस अब आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तभी इस फील्ड में उतरूंगा जब इसमें मुझे कुछ हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी या ऐसा कुछ दिखेगा, अर्निंग जैसा, तब मैं इसमें जाऊं, अदरवाइज़ मैं अपना करियर क्यों ख़राब करूं और मैं कुछ और ऑप्ट कर लेता हूं अगर कुछ ऐसी अर्निंग नहीं होती इससे। तो थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है, बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड तरीके से आपने अपने स्किल्स को पॉलिश किया है, हर वो चीज़ आपने टाइम दिया है। लेट्स से आपने हाइपररियलिज्म भी सीखा है, आपने रियलिज्म भी सीखा है, आपने सरलिज्म भी सीखा है, और आपने धीरे धीरे अपना एक स्टाइल डेवलप किया है 4 साल 5 साल लगातार पॉलिश करने के बाद। तो 3 सेगमेंट हो गए हमारे इसी ग्रुप में, और ये एक बहुत ही इलैबोरेटिव वीडियो हो सकता है, मतलब अगर मैं इस पर बोलना शुरू करूँ तो शायद आधे घंटे 1 घंटे तक मैं बोलता रहूँगा और आप शायद बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं उसको बहुत लिमिट कर रहा हूँ। अभी केवल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपको किस समय आपको किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहला जो ग्रुप है, जो सेगमेंट है, वो ये है कि आपने अभी आर्ट बनाना शुरू किया है। तो अगर अभी आपने आर्ट बनाना शुरू किया है और आपने कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए, लेट्स से आपने 10 15 20 25 पोर्ट्रेट्स बनाए, और उसके बाद अब आपको ये लगने लगा कि आप आर्ट में एक्सेल कर रहे हो और अब आप इसको सेल करना चाहिए क्योंकि आर्ट के मटेरियल इतने महंगे हैं, आप इतना टाइम देते हो उसमें, और फिर उसका रिवर्ट आपको ना मिले तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ये सोचना एक हद तक तो लाजमी है कि भाई आप इतना टाइम दे रहे हो, बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रोफेशन में, लेट्स से आप क्रिकेट खेलना शुरू करो तो क्या आपको आपने आप सपोज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलना शुरू करते हो तो उसका एक स्टेप होता है कि आप पहले मोहल्ले क्रिकेट खेलते हो, फिर आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हो, जोनल खेलते हो, स्टेट खेलते हो, देन कहीं आगे जाके रणजी, फिर उसके बाद जाके, मतलब आप खेलते रह जाते हो। सिमिलर विद द एक्टिंग थिंग, जैसे आपने एक्टिंग करना शुरू किया, सिंगिंग करना शुरू किया, आप थिएटर्स करते हो, म्यूज़िक में आप न जाने कितने घंटों रियाज करते हो, उसके बाद जाके कहीं किसी एक छोटे जिंगल्स गाते हो, एवरीथिंग यूट्यूब, उसके बाद जाके कहीं आप जाके एक पर्टिकुलर प्रोफेशन वाइज उसको सोच पाते हो। तो आर्ट में भी तो ऐसा ही होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन आपने कुछ पोर्ट्रेट्स बना लिए, कुछ हॉबी आर्टिस्ट आप बन गए और उसके बाद आप उसको सोचने लगो कि मुझे अब इस आर्ट वर्क को बेचना है। तो ये आप तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो आर्ट से, जो कि सही बात नहीं है और जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो पहले
अभी जो लोग अभी इस सेगमेंट में हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू करो। बहुत ज़्यादा टाइम दो अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लिटरली बता रहा हूँ। और ये अभी तो बिल्कुल दिमाग में लाओ ही मत कि मुझे इससे कुछ अर्न भी करना है अभी, क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहोगे तब तक आप ये भी सोचते रहोगे कि आप अपनी स्किल्स पे काम नहीं करोगे, लिटरली बता रहा हूँ। और ये सोचोगे कि क्या ऐसा बनाऊँ जो अगले को सामने को पसंद आ जाए, और इसमें बहुत सारे लोग कमीशन आर्टवर्क का रास्ता पकड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको अर्निंग आना शुरू होती है, और फिर वो अर्निंग जो है आपके कहीं ना कहीं आपकी जो आर्ट की लर्निंग है उसमें बाधा बनने लगता है, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलने लगता है, और आप जितने ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा आप उसको अर्न कर सकते हो। सेकेंड वो हैं जो अभी आर्ट शुरू नहीं किए हैं, बट वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं इसमें जाऊँ क्योंकि मुझे इसमें करियर ऑप्ट करना है, या क्या ये फ़ायदेमंद है भी, या इसको छोड़ दूँ मैं। तो यार मैं उनको ये कहूँगा कि पहले जब आप उसका उसको टेस्ट ही नहीं किया आपने, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आपके लिए वो फील्ड है भी या नहीं। पहले तो अपनी क्रिएटिविटी पे टेस्ट करो, अगर आपको वाकई उसमें इंटरेस्ट है तो ही उस फील्ड में आने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। लाइक द अदर क्रिएटिव फील्ड, जैसे म्यूज़िक है, एक्टिंग है, इसमें भी वही हाल है, स्पोर्ट्स है, उसमें भी ये हाल है कि आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, मतलब रिस्क इतना बड़ा है कि हो सकता हो कि आप बहुत कुछ ना कर अचीव कर पाओ। तो यहाँ पे अगर आपको आना है और इस फील्ड में आपका कुछ आपको करना है, तो इसके प्रति आपके जो अंदर जुनून है ना, पैशन है, वो बहुत होना चाहिए, और अगर वो है तो ही सोचना आने की, अदरवाइज़ बिग नो। लेकिन क्या इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि इससे आप केवल अर्निंग के बारे में सोचो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके सोल को, जो आपके माइंड को, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है, जो आपको मेडिटेट करा सकती है, इतना इसमें पावर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इससे केवल अर्निंग के लिए सोचो, रादर देन आप इसको इंजॉय करो, इस एक पर्टिकुलर आर्ट को, जैसे मैं करता हूँ। इसमें पर्टिकुलरली आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको चैन मिलेगा, जो शायद आपको कहीं और किसी फील्ड में ना मिले, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेडिटेशन के स्टेज में भी ले जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम खो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम कितने घंटे से बैठे हैं ड्रॉ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने बहुत टाइम दे दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मुझे लगता है जो क्वेश्चन था वो इसी के रिगार्डिंग था, कि आपने बहुत सारा टाइम दे दिया है और अब आप सोच रहे हो कि आपने अपना स्टाइल भी कुछ ऑप्ट किया है, लेट्स से आपने सरलिज्म पे बहुत सारा काम किया, या आपने कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क किया। बहुत सारे आर्टिस्ट आजकल कंटेम्प्रेरी पे ही काम कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने इसमें कुछ एक अच्छा स्टाइल ऑप्ट कर लिया है, तो अब आपको उसको एक प्रोजेक्ट करना है, अच्छी जगह पे प्रोजेक्ट करना है। क्या करना है उसके लिए, दो ऑप्शन हैं आपके पास उसके लिए, या तो उसको एग्जिबिट करो फिजिकली, मतलब एग्जिबिशन हॉल हायर करके आर्ट को एग्जिबिट करो, बट चांसेस बहुत कम है कि वहाँ से आपके आर्टवर्क बिकने शुरू नहीं होंगे। उसमें जो आप पर्टिकुलर लोगों को बुलाओगे, मतलब आप इनवाइट करोगे, आपका जो क्यूरेटर है वो इनवाइट करेंगे बहुत सारे लोगों को, आपसे कुछ पैसे लेंगे, अच्छे खासे अमाउंट लेंगे, और फिर कुछ पर्टिकुलर लोगों को इनवाइट करेंगे, उसकी वजह से बहुत सारे लोग, आम जनता भी आएगी उनको देखने के लिए, और वहाँ एक अच्छा चार्म क्रिएट होगा, जो कि हम मतलब बहुत पहले से आर्टिस्ट करते आ रहे हैं, यही तरीके ऑप्ट करते आ रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, और सेलिब्रिटीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों भीड़ इकट्ठी होती है, जिससे एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल इवेंट क्रिएट होता है। और एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, ये मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक है, इसी पर बोलते रह जाएंगे। तो ये तरीके ऑप्ट कर सकते हो, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे आर्ट के क्या बोल रहे हैं उसको, अकेडमीज़ हैं जो कि इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं, जहाँ पे आप आर्ट वर्क लगाते हो, आर्ट स्टूडेंट्स आते हैं, इंस्पायर होते हैं आपके आर्ट वर्क को देख के। हो सकता हो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी आ जाएं जो आपके आर्ट वर्क को वहीं की वहीं परचेज़ कर लें। पीआर का मतलब आप समझ ही सकते हो कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं पब्लिक के, इंटरेक्शंस वो कैसे हैं, और उसमें आप कितने आप लोग आपके लूप में हैं, जिनको आप अपना एक सराउंडिंग क्रिएट कर सकते हो, अपनी गैदरिंग क्रिएट कर सकते हो। तो वो एक चीज़ है जिस पर आप काम करना शुरू करो फिज़िकली, इस तरीके से जैसे मैंने बताया। सेकेंडली कि आपने अपनी ऑनलाइन गैलरी क्रिएट कर रखी है, किसी एक वेबसाइट को अपने बना करके, या फिर आप अपने इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया, टम्बलर हो गया,
बहुत सारे हैं, बहुत सारे, एंडलेस। उस पर एक्सप्लोर करके उस पर अपने आर्ट वर्क डालना शुरू करो और अपनी एक ऑनलाइन जो कम्युनिटी है उसको बिल्ड करो, और वहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपने आर्ट वर्क को, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जो आपके आर्ट वर्क को सेल करते हैं और उसमें कुछ कमीशन वो लेते हैं, कुछ कमीशन आपको देते हैं। बट वो भी ये तभी हो पाएगा कि जब आपने पहले स्टेप्स और दूसरे स्टेप्स को अचीव कर लिया है, कि आपने एक पर्टिकुलर आर्ट वर्क के फील्ड को एक्सप्लोर कर लिया है, एक स्टाइल ऑप्ट कर लिया है और अब आप उसको बेचना शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। बहरहाल इन सब कंडीशंस पे पहुंचने के लिए आपको आर्ट की जर्नी को एंजॉय करना है, और जर्नी आपकी इतनी खूबसूरत होती है ना आर्ट की, कि जो ये रिजल्ट्स है ना, कि मतलब मैं उसको सेल कर रहा हूँ या बिक रहा है कि नहीं बिकेगा, ये सब आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते। बहुत जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, आपके आर्ट हिस्ट्री उठा के देखो, कोई भी अपने दौर में सक्सेसफुल आर्टिस्ट नहीं रहे। मॉनेटरी वाइज अगर मैं बात करूँ, कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं रहा कि वो उसी टाइम पे ही उसने आर्ट वर्क बेच दिए हो और रिच हो गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जनरली ये हुआ है कि आर्टिस्ट ने आर्ट वर्क कर दिए और एक सर्टेन टाइम के बाद जाके उसके आर्ट वर्क को सराहने लगे लोग और उसकी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्रिएट हो गई, उसके फैंस क्रिएट हो गए। अपना स्टाइल बनाना शुरू करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को अगर आपको स्टैंड आउट करना है डिफरेंट बाकी सारे पोर्ट्रेट्स, क्योंकि देखो रियलिज्म बनाने वाले बहुत लोग हैं, हाइपर रियलिज्म बनाने वाले भी बहुत लोग हैं, उनसे कैसे आप डिफरेंट दिखोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड आउट, ठीक है, डिफरेंटली। तो फिलहाल इतना ही, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। हो सकता हो कुछ लोगों को इस वीडियो से डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी डिसअपॉइंट होने जैसा है। मैंने तीनों सेगमेंट में ही आपको बताया कि आपको आर्ट करते रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, तो प्लीज़ आर्ट करते रहो, कभी भी डिमोटिवेट मत हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। और इसके ही अगर आप चाहते हो कि और ज़्यादा वीडियोस इस पे बनाऊं, कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि आप आर्ट वर्क को सेल आउट कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, इस पे आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जानने में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं और भी वीडियोस इस पे बनाऊंगा और लॉन्गर वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सब्सक्राइब टू चैनल।